नामांकन काम के चार कोप थे। आप सभी जबरदस्त लोग, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार, प्यार भरा आदर। दोस्तों, पिछले 4.5 वर्षों में हमारे देश में क्या क्या हुआ है इसके बारे में मैं दरअसल एक घंटा में बात कर सकती हूँ, लेकिन आज के दिन के लिए ये सब बाजू में रहते हैं। आइए मेरी और आपकी बात करते हैं, आपकी और मेरी, और आपकी और मेरी। दोस्तों, जब 2014 में आप जैसे बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के लोगों को चुनकर उन पर अपना कहीं ना कहीं अपना एक यकीन रखा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। इसे बताइए भैया, मुझे चले मिले लेकिन किसी और के खाते में 14 लाख आए क्या? भैया मुझे तो 450 रुपए से 1000 पर चला गया। आपका भी गया क्या? बच्चों के फीस महंगे हुए, पेट्रोल दुनिया भर में कम हो गया लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए हैं। 1000 रुपए जब कोई गरीब अपने गैस सिलेंडर पे देता है तो गैस पकाने के लिए घर में क्या बचा? अरे मैम का ऑफिशियल है, मत करो। खराब अर्थव्यवस्था के कारण नोटबंदी के चलते छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, जिससे काफी लोग बेरोजगार हो गए। मुझे यकीन है यहाँ पर भी काफी लोगों के रोजगार छूट गए होंगे। और नॉर्थ मुंबई, उत्तर मुंबई में इस जिले में कोई भी देखने नहीं आया। अरे आप सब बताइए, कर रहे हो 4.5 वर्षों में आया कोई आपके दखल लेने? जिसको आपने चुन चुन किया, क्या वो आया पिछड़े कि आपका घर कैसे चल रहा है, कि आपके घरों का मसलों का क्या हुआ, पानी के मसले का क्या हुआ? दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप सब जानते हैं कि पेपर वाला भी उसकी मदद करता है जो रोज अपनी मदद करता है। जब मैं आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में घूमी, मैंने देखा कि बड़ी चीज भूल जाओ थोड़ी देर के लिए बाजू में रखते हैं, लेकिन दूसरी सारी चीजें, शौचालय की समस्या, पानी की समस्या, ट्रेन के स्टेशनों में भी शौचालय की समस्या। मेरी जो सारी यहाँ पे बहनें हैं, जो आज मुझे यहाँ ज्यादा नहीं दिख रही है, शायद घर में हैं, उनके आरोग्य की समस्या, ये सब चीजें आपका अधिकार है। अगर वो कोई आपके लिए करता है तो आपके ऊपर उपकार नहीं करता है, वो आपका अधिकार है, क्योंकि आपने अपनी सबसे अमूल्य चीज उस इंसान को दी थी 4.5 वर्ष पहले, आपने वोट दिया था, और उस वोट आपकी गरीबी का और आप जैसे कई लोगों की गरीबी का पिछले 4.5 वर्षों में मजाक उड़ाया गया है, बहुत बड़ा मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि सारी चीजें महंगी महंगी और महंगी होती गई। पता नहीं आपके बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे, उनकी फीस बढ़ गई है, हर एक चीज बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, तो आम आदमी जिएगा कैसे? एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रही है, उसने कभी भेदभाव नहीं किया कि कौन कौन से धर्म का है, जाति का है, कहां से आया है या कौन सी भाषा बोलता है। और इसलिए आज मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पार्टी के साथ खड़ी हूँ जो आज सत्ता में नहीं है, लेकिन आएगी, इंशाल्लाह आएगी, और आप सबके वोट से आएगी। इसलिए आएगी क्योंकि हम सबको विकास चाहिए, पेट में खाने के लिए बराबर से खाना नहीं है, और एक दूसरे को लड़वाने वाली सरकार नहीं चाहिए। तालियां मत बजाइए, तालियां बजा के वक्त चला गया है। आज अपने मत को सोच समझ के 29 तारीख को आप में से हर कोई जाएगा, बाहर निकलेगा और वोट को हाथ के पंजे के अगला बटन दबाकर उस कांग्रेस पार्टी को देगा, मुझको देगा, ताकि मैं आपकी सांसद बनकर दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचाऊं और खींच के लाऊं वो सारी चीजें जिसके आपको दूर रखा गया है, खींच के लाऊं वो सारी चीजें जिससे आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी। क्योंकि दोस्तों, अगर ये अब की बार नहीं हुई तो ये फिर कभी नहीं होगा, तो अब हमारा वक्त है। तो आज यहाँ पर एक छोटी चीज मेरे लिए पहले तो आज कीजिए, अपने हाथ ऊपर करके सब लोग मेरे साथ आइए, मुझे वचन दीजिए कि हर हाथ के साथ
स्वागत।